प्लीज़ मेरी पूरी वीडियो देखना सभी सब्सक्राइबर, चैनल को सब्सक्राइब भी करना, लाइक भी करना, कमेंट भी करना, धन्यवाद। नमस्कार, इंडियन फूड लक्ष्मी की रेसिपी में आपका स्वागत है। और आज हम बनाने जाएंगे रेड चिली, मिर्ची का पाउडर मतलब, घर पे ही। और मैंने यहाँ पे ये मिर्ची ली है, मैंने इनका जो पीछे का है वो निकाल दिया है, और अब इनको मैं ना 2 दिन धूप में सुखा लूँगी अच्छे से, बिल्कुल मिर्ची को, जब जाके मैं इनको पीसूँगी। यहाँ मैंने अपनी मिर्चियों को सुखा लिया है, बिल्कुल मेरी मिर्ची बिल्कुल सूख गई है, एकदम पीसने के लिए मतलब एकदम रेडी है, आराम से पिस जाएगी। और मैं कभी भी लाल मिर्ची का पाउडर कभी भी मार्केट से नहीं खरीदती हूँ, मैं अपने घर में ही बनाती हूँ। हल्दी का भी और लाल मिर्ची भी, धनिया भी, गरम मसाला भी, जो भी मसाला है मैं अपने हाथ से खुद बनाती हूँ घर में ही, मिक्सी से। और आज भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि मैं मिर्ची का पाउडर कैसे बनाती हूँ घर में। और मैंने इसको खूब अच्छे से सुखा लिया है। घर के मसाले की तो बात ही कुछ और होती है, क्योंकि घर का मसाला अपन देख के बनाते हैं, मार्केट में तो ये जो पीछे का रहता है वो भी पीस देते हैं। और मार्केट की लाल मिर्ची पाउडर और घर का मिर्ची पाउडर अलग ही होता है बिल्कुल। और इसको मैं बना के दिखाऊंगी आपको, और वीडियो पूरा लास्ट तक देखना, और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, और बेल आइकन प्रेस करना, जिससे कि मेरी जो भी नई वीडियो वो आप तक पहुँच जाए। और मैं बनाती हूँ अभी रेड चिली पाउडर। तो अब हमें क्या करना है, मिक्सी में जार में मैं इसको डालूंगी मिर्ची को, इसमें मैं मिर्च पीसूंगी। इसमें मैंने हल्दी पाउडर बनाया था, इसका भी मैंने वीडियो बनाया है, मैंने अपने चैनल पर डाल दिया है, आप देख लेना वहाँ से। और अब मैं इसी में ही मिर्ची को पीस लूँगी, क्योंकि हल्दी का ही है इसलिए। तो मैं क्या करूँगी, इसमें डाल दूँगी मिर्ची जितनी, छोटे वाले जार में ही बनाना है, हल्दी का भी बनाओ तो छोटे वाले जार में, और मिर्ची का बनाओ तो छोटे, क्योंकि छोटे वाले जार में बहुत अच्छे से पिसता है इसलिए। अभी यहाँ मैं मिक्सी में पीस लूँगी, चालू करती हूँ, पहले मैं स्लो में ही करूँगी फिर फास्ट करूँगी। अगर जिस किसी को मिर्ची चढ़ती भी है तो अपना मुंह कवर कर ले, और थोड़ा मुंह ढक के ही मिर्ची को पीसे, और हाथ में हो सके तो पन्नी भी लगा सकते हो आप, मेरे को तो नहीं लगती तो मैं ऐसे ही पीस लेती हूँ। यहाँ मेरा ये पीस गया, अभी इसको मैं छान लूँगी। ये बहुत तीखी वाली मिर्ची है, छानने से थोड़ी और एकदम बारीक आ जाती है, जो मोटी सी रह जाती है थोड़ी बहुत तो ऊपर रह जाती है। मैं आपको दिखाती हूँ पूरा छान के। यहाँ मैंने इसको छान लिया, ये निकला है, तो मैं इसे इसी में डाल दूँगी, और मिर्ची जो मेरी बाकी मिर्ची है वो भी पीस लूँगी। तो मैं क्या करूँगी, इसमें डाल दूँगी इसको। कितना अच्छा देखो बारीक बना हुआ है एकदम, लेकिन अपनी आँख को ज़रूर बचाना मिर्ची पाउडर से, क्योंकि ये बहुत, और पंखा चालू नहीं होना चाहिए, नहीं तो उड़ती है तो लग जाएगी। अभी जो बाकी की मिर्ची है वो मैं इसको भी पीस लेती हूँ फटाफट से, जो बाकी बच गया था इसी में ही ये मिर्ची डाल के पीस लूँगी। यहाँ हमारा मिर्ची, लाल मिर्ची पाउडर बनके तैयार हो गया है, और पीसने के बाद बस इतना निकला हुआ है, इतना। ये मैं थोड़ी सी मिर्ची, इसी की मिर्ची ले लूँगी, और मिक्स करके हफ्ते भर में ख़त्म हो जाएगी। नहीं तो अगर आप सिलबट्टे पे मसाला पीसते हो तो उसमें डाल के भी कर सकते हो, कढ़ी बनाते हो उसमें भी डाल सकते हो, थोड़ी मोटी मोटी सी रह गई बस। और बाकी ये बिल्कुल बारीक, मार्केट जैसे, अगर आप मार्केट से पैकेट लेके आओगे, पैकेट का वो स्वाद नहीं आता जो घर के मसाले में स्वाद आता है, और ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। अगर अच्छी चीज़ खानी है तो थोड़ा टाइम तो देना पड़ता है, अगर आपको जैसे मसाले अच्छे खाना है तो पीसना पड़ता है घर में लेके बिल्कुल। और हमारा लाल मिर्ची पाउडर बहुत अच्छा बना है, बिल्कुल एकदम बारीक बना है, देखो एकदम बारीक। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना,
बेल आइकन प्रेस करना, जिससे कि मेरी जो भी नई वीडियो वो आप तक पहुंच जाए। मिलती हूँ मैं आपसे एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। वीडियो मेरा पूरा देखना प्लीज़।